हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमारे पास है सैमसंग J2 कोर, जिसके अंदर लगा हुआ है FRP, ठीक है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर बिना PC के FRP को बाईपास करके आपको दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चलना। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई भी एक चालू सिम लगा लेना है। उसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, उसके बाद कोई भी चालू सिम इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इमरजेंसी पर सिंपल से कॉल कर देना है। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पर 112 डायल कर दिया है, तो 112 आपको डायल कर लेना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, एक बार में ये कॉल नहीं लगता, तो आपको दोबारा कट करके लगाना पड़ सकता है। आपका स्वागत है, आपात सेवाओं के लिए 1 दबाएं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल लग गया है। यहाँ पर सिंपल से हमने इस कोड 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड पर क्लिक कर दिया, यानी सेंड मैसेज पर क्लिक कर दिया। तो मैंने मैसेज बॉक्स पर जंप कर लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है www.youtube.com। तो जैसे ही आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, तो इस तरीके से youtube.com टाइप करने के बाद आपको सेंड कर देना है। फिर इसको लॉन्ग प्रेस करके शेयर वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। जीमेल पर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो पर सिंपल से आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल गया, सिंपल से नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग इन ऐप पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डी। जैसे ही आप यहाँ पर डी सर्च करें तो डिलीट और डिसेबल ऐप एंड एंड्रॉयड, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे टैप टू गो एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप ऐसे ही एप्लीकेशन में आ जाएंगे, सिंपल से यूट्यूब गो है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद मोर सेटिंग एन ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे चलना है, अबाउट पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube टर्म एंड सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे आप इतना क्लिक करते हैं तो आपका क्रोम यानी कि एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, यहाँ पर सैमसंग का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। सिंपल से इस पर सर्च करना है अमित टेक रिपेयर। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं अमित टेक रिपेयर, तो हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाने या वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो मैं अभी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डाला अमित टेक रिपेयर, तो आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ध्यान से आप देख लीजिए फ्रेंड, आप www.amittechtv.com, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमारी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। तो फ्रेंड, सारे स्टेप को आप फॉलो करते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि एक भी स्टेप आप मिस करते हैं तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो FRP का ऑप्शन आएगा। सिंपल से FRP पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे FRP पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गूगल अकाउंट मैनेजर 8, 9 और 10, ठीक ना, इसका वर्जन है। तो इसको ही आपको डाउनलोड करना, किसी दूसरे को डाउनलोड नहीं करना है। सिंपल से अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो अब एक ऐप हमने कर लिया, दूसरा हमारा है आप देख सकते हैं FRP यानी बाईपास FRP, ठीक ना, ये वाला सिंपल से आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर बुक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करना है और डाउनलोड हिस्ट्री पर क्लिक करना है, फाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला फाइल आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों एप्लीकेशन हमारा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये गूगल अकाउंट मैनेजर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, परमिशन अलाउ करेंगे, बैक करेंगे, अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन ये शुरू हो चुका है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको डन कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको डन कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं तो मैंने डन कर लिया। अब FRP बाईपास को सिंपल से आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आपका ये FRP बाईपास इंस्टॉल होगा, सिंपल से आपको ओपन कर लेना है। ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 बिंदी पर क्लिक करना है, ब्राउज एंड साइन इन पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। अब आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा ईमेल आईडी पासवर्ड, कोई भी आपके पास पुराना ईमेल आईडी पासवर्ड हो, उसको डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं जल्दी से ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया और पासवर्ड भी डाल लिया और सिंपल से नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ और हमारे पर हमारा साइन इन हो गया, यानी कि हमारे फ़ोन पर ईमेल आईडी लॉगिन हुआ। सिंपल से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद आपका फ़ोन आगे का प्रोसेस आप देखते चलिएगा। वीडियो आप यहीं पर ना छोड़िएगा, क्योंकि आपको मैं बोनस टिप्स देने वाला हूँ, लास्ट में वीडियो के बोनस टिप्स दूँगा।
होगा। तो दोनों देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम फ़ोन को यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। तो फटाफट से हमने सेटअप करा और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं बारी करता हूँ यानी स्टार्ट करता हूँ बोनस टिप्स देना। सबसे पहले आपको FRP बाईपास जो आप ऐप डाले थे उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ये रहा फर्स्ट। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड हमारा है उसके पास चलते हैं। सेकंड हमें चलना होगा यहाँ पर सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं अकाउंट्स पर क्लिक करना है। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद अकाउंट्स पर यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी, इसको सिंपल सा रिमूव कर देना, यानी कि अपना ईमेल आईडी सिंपल सा रिमूव कर दे ताकि आपके ईमेल के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके से और मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।